तीन पीढ़ियां लगभग यहाँ पे उपस्थित है। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को हृदय रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1972 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन विश्व स्वास्थ्य संघ ने वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत की थी। इस साल की थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, यानी कि दिल का इस्तेमाल करें और दिल को जानें। वर्ल्ड हार्ट डे लोगों को हृदय रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी देता है। हृदय रोग से लगभग 80% लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। रोजमर्रा की दिनचर्या में सुधार लाकर हृदय रोग से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, व्यस्त रहें और मस्त रहें। दरअसल ये बातें IMA के अध्यक्ष डॉक्टर AK राय ने कही। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज विष्णुपुर बेगूसराय में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ने कहा कि लोगों के जीवन शैली में बदलाव हुआ है, जिसके कारण हृदय रोग एक महामारी के रूप में लोगों के सामने आया है। उन्होंने सलाह दी कि कम से कम 30 मिनट पैदल जरूर चलें, संतुलित आहार लें और भरपूर नींद लें। विश्व हृदय दिवस पर मुख्य आपको ध्यान देना है कि अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। सिडेंट्री लाइफ स्टाइल होने के कारण आपको सुबह में उठ के सवेरे थोड़ा टहलना, घूमना फिरना, प्रसन्न रहना, आपस में हंसना बोलना, खाने पीने का स्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है। सोने का समय तय होना चाहिए, कितने बजे सोएंगे, इतने बजे जगेंगे। समय भोजन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है हम आपको हर जगह उच्चतम सुविधा नहीं दे सकते। स्वास्थ्य संबंधी जो उच्च सुविधाएं हैं नहीं दे सकते, तो आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। आपको प्रिवेंटिव कार्य ज़्यादा करने, रोकथाम आपको ज़्यादा करने, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, बीमार पड़े ही ना। वहीं IMA के सचिव सह हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने कहा कि अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो अपने खान पान और व्यवहार में बदलाव लाना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ज्यादातर लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और उनके इलाज के लिए डॉक्टर और चिकित्सा सुविधा कम पड़ जाएगी। खासकर आज के युवाओं को अपने हेल्थ के लिए जागरूक होना होगा। सबसे पहले तो आज विश्व हृदय दिवस है, विश्व हृदय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस बार का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, अपने दिल से दिल को जानें, ये थीम है। क्योंकि हम उसको महसूस करें कि किसी पर क्या बीत रही है, किसी के दिल पर क्या बीत रही है, ये हम महसूस करें कि डॉक्टर को महसूस करना पड़ेगा और समाज को महसूस करना पड़ेगा कि आपके दिल में क्या परेशानी है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनायास पसीना छूट रहा है घर चेस्ट पेन के साथ, या फिर दोनों बाहों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, दोनों गले में दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपने निकटतम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, तुरंत ECG करवाएं, इको करवाएं, और 99% चांस है कि आपके जो हृदय रोग में जो बीमारी है उसका पता चल जाए। और अगर पता चल जाता है तो निदान भी संभव है। इसलिए ये जरूरी है जानकारी ही बचाव का प्रथम नियम है, तो आप कुछ आगे कर सकते हैं। मान लिया किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसका इलाज भी संभव है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हृदय रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित वर्मा ने कहा कि जैसे जैसे लोगों का विकास हो रहा है, ठीक वैसे वैसे वायरस और रोग भी अपना विकास कर रहे हैं। इसलिए लोग खुद अपना इलाज ना करें और रोग के लक्षणों को देखकर दवाइयां ना लें। कुछ भी होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुश रहें, भरपूर नींद लें, तनाव से दूर रहें और खूब पैदल चलें। साथ ही उन्होंने अपना वार्षिक चेकअप कराने को भी कहा, तभी 80% लोग हृदय रोग से बचे रहेंगे और लंबा जीवन जी सकेंगे। है यूज योर हार्ट नो योर हार्ट, मतलब आपको अपने हृदय का उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, आप उसको जितना यूज़ कीजिएगा वो उतना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम लोग इस बीमारी को महामारी ना बनने दें। हमारी सबसे पहले मोटो ये होनी चाहिए कि इस बीमारी को अंकुश करें, कैसे रोक सकते हैं, यही हमारा जो है हमेशा सुझाव रहेगा। लोग 3-4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको आप प्रमोट करें। खाने पीने में जो नेचुरल हैबिटेट है, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो फिश, ये चीज़ें जो हैं आप मल्टीग्रेन फ्रूट्स, ये सब चीज़ें प्रमोट करें। मॉर्निंग वॉक हमेशा सप्ताह में 150 मिनट एक नियमित आदमी, इवन वो स्वस्थ है तब भी उसको
टहलना चाहिए। तो सप्ताह में 150 मिनट यानी ऑन एन एवरेज आप 20-25 मिनट चलें, जिसमें पसीना आना चाहिए, जिससे आपको शरीर से पसीना आए, ताकि आपका हार्ट रेट, उस जो आप चलते हैं जब तेज तो हार्ट रेट भी बढ़ता है, उस हार्ट रेट पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं रहती है, तो ये बताता है कि आपका हृदय नियमित तौर पर काम कर रहा है। दिल हमारे शरीर का बहुत ही खास और अहम हिस्सा है, इसलिए आज के इस बदलते लाइफस्टाइल में अपने दिल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।